एक तरफ सरकार कोरोना वैक्सीन की एक एक डोज की बर्बादी रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चौंका देने वाला मामला सामने आया। अलीगढ़ के जमालपुर UPHC में कूड़ेदान में कोरोना वैक्सीन से भरी हुई 29 सिरिंज मिली, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप सा मच गया। ये सिरिंज फेंकने का आरोप जमालपुर UPHC में तैनात ANM नेहा खान के ऊपर लगा है। वैक्सीन की बर्बादी के बारे में जैसे ही आला अधिकारियों को पता लगा तो इस मामले की जांच 2 SCMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर MK माथुर और डॉक्टर दुर्गेश कुमार को दी गई। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दोनों अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में ANM नेहा खान और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आरफीन को दोषी पाया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। संविदा पर काम कर रही नेहा की सेवा समाप्त की जा रही है, तो वहीं डॉक्टर आरफीन को मूल तैनाती पर भेजा जा सकता है। दरअसल अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 से 44 वर्ष के लोगों को COVID-19 का टीका लग रहा था। वहां ANM खान पर लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी थी। स्वास्थ्य केंद्र पर नेहा खान के साथ काम कर रहे स्टाफ ने देखा कि नेहा खान टीका लगाने की जगह सिरिंज को केवल चुभा रही हैं और लोडेड सिरिंज कूड़ेदान में फेंक रही हैं। इस बात को लेकर जब स्टाफ ने उनको टोका तो उन्होंने कहा कि मेरा मूड खराब है और इसके बाद वहां से हट गईं। लेकिन तब तक वो 29 लोडेड सिरिंज कूड़ेदान में फेंक चुकी थी। इस पूरी घटना को लेकर एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है कि एक तरफ जहां पर लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग वैक्सीन की बर्बादी क्यों कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल ऐसे हैं जो उठने लगे हैं। पहला कि नेहा खान वैक्सीन की इस तरह से बर्बादी क्यों कर रही हैं। दूसरा कि लोगों को वैक्सीन का डोज ना देने के पीछे उनका क्या मकसद है। तीसरा, इस धोखेबाजी को क्या नाम दें, क्या इसे वैक्सीन जिहाद कहना सही रहेगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। VK News UP, धन्यवाद।